आप देख रहे हैं नेशनल टुडे धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। धनबाद के वासीपुर स्थित कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग में करियर गाइडेंस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें वासीपुर के समाज सेवी अबू तारिक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यह प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य था, वासीपुर के छात्र और छात्राओं को दसवीं के बाद क्या करना है, क्या करने से हमारा भविष्य और बेहतर हो जाएगा। वहीं लक्ष्य कोचिंग सेंटर के सुहेल सर इस प्रोग्राम में वासीपुर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और उन बच्चों की काउंसलिंग की। आज के प्रोग्राम में मुख्य रूप से स्कूल के प्रिंसिपल समा परवीन, सगुप्ता नाज, रुखसाना परवीन, राहत रहमान, राहत कौसर, दिलखुशा परवीन, अंजुम आरा, चाहत परवीन, सना परवीन, सुम्बुल परवीन, अफजल हुसैन, नितिन ओझा, मोहम्मद फयाज, वाइस प्रिंसिपल आरिफ इमाम, जफर मोहम्मद, मुजम्मिल और तो भी अन्य लोगों लोग का प्यार थे। है कि लोग अगर मुझे कोई ये समाज सेवी या सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं तो ये सम्मान समाज की तरफ से है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने जो लोग भी जिस लेवल पे मुझसे हो सकता है मैं सहायता करना चाहता हूँ। सर आज यहाँ पे आप पहुँचे सर, तो क्या काम कैसा महसूस हो रहा सर आपको? नहीं, आज लक्ष्य क्लासेस की तरफ से एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया था। नौवीं और दसवीं के बच्चे जो अब अबाउट टू पास आउट होने वाले यहाँ से जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है साल दो साल में उनको अपना कैरियर ऑप्ट करना पड़ेगा। दसवीं के बाद क्या करना है, बहुत सारे लोग प्लस टू करेंगे या दसवीं के बाद बहुत सारे लोग रास्ता तलाश करते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है कि हमको कौन सा सेक्टर जाना चाहिए। तो हमारे सुहेल सर उनकी टीम ने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया कि दसवीं के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप प्लस टू करते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं, और प्लस टू के बाद अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डोर्स ओपन होते हैं, आप सिविल सेवा में भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से गाइड किए उन्होंने और मैं पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी लक्ष्य टीम का। मायसेल्फ मोहम्मद सुहेल, डायरेक्टर ऑफ द लक्ष्य इंस्टीट्यूट फॉर IIT जे मेडिकल। आज ये द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग में हम लोगों को इनवाइट किया गया बच्चों के करियर गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग हमारे इस एरिया में, अपने क्षेत्र में वासेपुर में बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को गाइड कर रहा है और एक अच्छा रिजल्ट समाज में दे रहा है। और यहाँ के जो 10th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो 9th के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य के लिए कि उनको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, उनके मेंटरशिप के लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया, ताकि हम बच्चों को ये बता पाएं कि 10th के बाद बेटा आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 3 घंटे का एक सेमिनार किया। एंड थैंक यू सो मच द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग एंड द टीम कि आपने हम लोगों को बुलाया ताकि बच्चों के फ्यूचर ब्राइट हो और दे आर रियली वेरी सीरियस फॉर द स्टूडेंट्स कि ये बच्चे यहाँ से निकलने के बाद अपने देश में और विदेश में बड़ा से बड़ा कुछ करके दिखाएं। सर आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बताइए सर आज यहाँ प्रोग्राम में आप पहुँचे सर वासेपुर, उसके बारे में बताएं सर। ये बेसिकली हमारा कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल जहाँ है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग, वहाँ पर लक्ष्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया था जी, जिससे बच्चे लोगों को मोटिवेट किया गया और बताया गया कि प्लस टू के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज की जा सकती है। जैसे 10th के बाद हम लोग प्लस टू लेवल पे साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, ये सबको मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया। सर वासीपुर आप पहुंचे सर, यहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, बच्चे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, कुछ कुछ सीखने की कैपेबिलिटीज़ भी उन लोगों में डेवलप हो रही है और काफ़ी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि इसको हमेशा बढ़ाते रहिए, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग का नाम रोशन करते रहिए, इतने दिनों से पूरी टीम मेहनत कर रही है, इसको आगे ग्रो किया जाए। सर जो सोहेल सर है लक्ष्य प्रोग्राम के मतलब चीफ हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि इसी तरह आप समाज के लिए सकारात्मक काम करते रहिए, जिससे समाज को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नित्यानंद ओझा हुआ, हम यहाँ के सीनियर फैकल्टी हैं, क्लास 9th और 10th को हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। थैंक यू सर।